हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरे से राम राम जी। और बस अभी क्या कहते हैं, मन्नू पापा तो काम पे निकल गए थे, खाना खुना तो भाई भी हमारे को दे के चले गए थे वो। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, दोपहर के लिए दाल बनाऊँगी लंच के लिए। और लवण्या को मैंने भी बस नेबुलाइजर वगैरह दिया और खांसी का दवाई दवाई दी है, तो ये सो रही है। और फिर दाल बना के फिर इसको खाना खुना खिला के फिर दोबारा से दवाई देनी है, तो वो दे दूँगी। और पहले मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद जाकर काम करती हूँ, क्योंकि बुखार तो मेरा थोड़ा सा ठीक है, दवाई खाई तो मुझे गर्मी लग रही है। पहले कल तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और क्या कहते हैं, मनोर ना ब्लॉग भी नहीं बनाते अपने पर, और इसने मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, वो भी जब मेरे को बुखार होता है ना, जैसे मुझे बहुत सालों का मतलब बहुत टाइम का बुखार चढ़ता, सालों सालों में बुखार चढ़ता है, इतनी जल्दी मुझे बुखार नहीं होता। जब होता है तो पता नहीं मैं सोते हुए ना अजीब सी आवाज़ें निकालती हूँ, वो मैं थोड़ा सा क्लिप डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ा सा डालूंगी बस। इसने वही वीडियो बनाया मन्नू ने, और वीडियो नहीं बनाया और ब्लॉग ही नहीं बनाया मन्नू का अपने, जैसे काम कुम किया, दाल धूल बनाया, खाना बनाया, बर्तन साफ किए, वो कुछ नहीं बनाते अपना वीडियो, सब मेरे को ही बनाना पड़ता है। तो बस वो मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड करूँगी, तो पता नहीं शायद मैं ही ऐसे आवाज़ें करती हूँ या और भी कोई करता है, मुझे नहीं पता, पर वो आवाज़ें अपने आप निकल जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो मन्नू ने वो वीडियो बना रखा, वो मैंने देखा था ना, बड़ी अजीब सी आवाज़ आएगा, कोई और हमारे घर में आए ना तो वो डर ही जाए कि ये क्या हो रहा है, कैसी आवाज़ें आ रही है, पता नहीं मेरे से आ जाती है अपने आप ही। अब बस और किसी को ऐसा होता है तो, या तो फिर किसी को बुखार जल्दी चढ़ता होगा तो उनको ऐसा नहीं होता होगा। अब मुझे जल्दी से बुखार नहीं चढ़ता ना, और जब चढ़ता है तो फिर ऐसा चढ़ता है खतरनाक सा, नहीं तो मुझे जल्दी से बुखार नहीं होता। वैसे छोटे मोटे कभी कभी कुछ कुछ होता रहता है, वो तो अलग बात है, पर बुखार बुखार मुझे जल्दी से नहीं ना होता, तो इसीलिए शायद ऐसी आवाज़ आती होंगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में दाल रख दिया और बस अब तड़का लगाने लगी हूँ। और ये लहसुन लहसुन छील लिया मैंने, प्याज भी काट दिया, लहसुन भी काट दिया छील के, प्याज भी काट दिया, हरी मिर्च तड़का काटूँगी और टमाटर काटूँगी, बस दाल को तड़का लगाऊँगी अभी। तो दाल बन गई है और मैं लवण्या को ना बस रोटी खिला रही थी चूर के, क्योंकि मन्नू का ना सुबह रोटी तो बना गए थे, तो बस अब दाल बस बना के लवण्या को खिला के फिर दवाई दे देती हूँ। तो लवण्या को भी लंच वगैरह करवा दिया था मैंने, और दवाई दवाई भी दे दिया, नेबुलाइजर भी दे दिया, उसको नहला भी दिया मैंने। मैं कहती देखो ये मैंने चल नहाएगी ना तो बच्चा अच्छा हो जाता नहाने से। अब बुखार तो लवण्या को भी नहीं है, बस खांसी खांसी है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और मैं कह ये बेड शीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे में बीमार में, फिर पूरा घर ही गंदा सा लग रहा था, साफ़ सफाई भी हो गया और धूप देखो कभी आ रही है कभी जा रही है, मौसम अजीब सा हो रखा है कभी। तो बस सारा काम कुम तो हो गया, लवण्या सो रही है तो मैं भी बस दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट कर देती हूँ, फिर उसके बाद शाम को चाय चूहे बनाएंगे ना, तब तो शायद मन्नू के पापा भी आ जाएं। तो अभी शाम हो चुकी है और रेस्ट भी हो गया मेरा, तो मन्नू के पापा तो अभी तक नहीं आए हैं, वो तो पता नहीं कब तक आएंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो वो आएंगे पहले चाय पियेंगे, लेकिन वो तो आए नहीं, तो फिर मन्नू बना के लाया यहाँ पे चाय भर ली इतनी सारी, तो अभी इतनी सारी चाय पीऊँगी। पहले कप मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ चाय कप में चाय ना, रोटी खाई थी सवेरे तक खाई थी मैंने, तो दोपहर को नहीं मैंने खाया था, लवण्या का तो खिला दिया था तो मैंने नहीं खाया था। तो बस मैं कह चलो चाय पीते, मन्नू को पता भी आए नहीं, उनका ही वेट कर रहे थे हम, तो इसने पूजा भी कर लिया मन्नू ने, और वो जब आएंगे तब फिर देखते हैं, बस खाना खुना बना खाएंगे, वो दाल तो मैंने बना ही रखा है, तो रोटी बनाएंगे बस हम। तो हमने तो चाय पी ली थी, अब मन्नू लेके आ रहा लवण्या के लिए चाय ठंडी करके, और अब लवण्या को चाय पिलाएंगे। तो मैं कहा इसको भी ना शायद खांसी खुंसी से आराम आ जाएगा ना, वैसे तो ये वो पीती रहती है, क्या कहते हैं बोनवीटा वगैरह। तो ओ यार नहीं, दूजे तोले लगा, ओ तो पहले टावल उत्थे छोटा वाला, ये वो लगा, ये तो उत्थे ले जाने वाला है। तो अब इसके कपड़े वाइट पहने हुए ना, तो फिर ये चाय अगर गिराएगी ना तो सारा वो हो जाएगा, कोई तो टावल लगा दे अगे, पहले चाह पड़ा जल्दी, भूख लगी हुई है। तो अभी बैठ के हम चाय पीते, पता ये देख रहे थे ब्लडी सत्या, इसकी स्टोरियां भूत वाली होती है। प्रमोशन क्यों करी जाती है, मतलब क्या है बेटा प्रमोशन, क्या प्रमोशन, प्रमोशन आपा कोई मिलियन तो ना उमरे ने कि आपा किसी दी प्रमोशन करते जे घर बैठे थे, हजारा च उमरे है फिर ला हजारा च कोई देखता है नहीं, हजारा च बार बार बोल देता प्रमोशन प्रमोशन, फिर क्या हो गया है अगर अब बताओ, ये इतना अच्छा वीडियो बनाता है, इसमें प्रमोशन करने वाली क्या बात है, इसके इतने अच्छे सब्सक्राइबर है। बोलने का तरीका उसको सुन के बंदा डर जाता है, बट अच्छा लगता है मेरे को तो, अच्छा लगता है सुनना, तो क्या हुआ रिका, हाँ स्टोरी तो रियली बताता है ना ये, जैसे जो लोगों के साथ बीता होता है वही बताता है सारा। ब्लडी सत्या इसके चैनल का नाम है,
चाय तो हमने पी लिया था, अब लवण्या को दवाई दे रहे हैं और मम्मा भी अभी दवाई लेंगे। पानी मम्मा के लिए गर्म करके लाया, क्योंकि मम्मा की है खांसी की दवाई जो कि पीनी होती है गर्म पानी के साथ। और लब्बू को अभी भी कोसा ज्यादा ही पानी गर्म दिया कर है। रहा है, बुखार जब तक खाऊंगी ना बेटा, ओह पानी तो ज्यादा नहीं गर्म कर रहा है मेरे पास से। तो धुआं दवाई निकल रहा ज्यादा है। नहीं पानी गर्म करके दे रहे ना, इसको भी खांसी है, इसके लिए कोसा कोसा पानी, ज्यादा गर्म नहीं पी पा रही मम्मा की हूँ। आवाज को देखो गाइस। आज को क्या देखो, अब और आई है सुबह से एक वीडियो होएगी शायद से, मैंने बनाई थी मम्मा रात को सोते सोते क्या कर रहे हैं। नहीं पता नहीं, वो ना जब ज्यादा बीमार होता है जल्दी से बीमार नहीं पड़ती, लेकिन जब वो ज्यादा बीमार हो जाती है ना तब वो अजीब सा साउंड, पता नहीं कैसा बहन से कैसी आवाज गुन रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ऐड करूंगी मैं, बड़ा अजीब सा साउंड है वो। मैं सो रही हूँ रजाई ओढ़ के, वहां मेरा मुंह नहीं दिख रहा, तो उसने वीडियो बना रखी है वो, पता नहीं जब मन्नू के पापा बोल रहे जैसे कह रहे 2 मिनट बात करी, बात करते तुरंत फिर सो जाते थे, पता नहीं चलता था, आवाज अपने आप ही निकल जाती है वो। जब मैं ज्यादा बीमार होती हूँ पता चल जाता है कि हाँ अभी मैं आज बीमार, बहुत बीमार हूँ, उससे पता चलता है। वैसे और इतना लब्बू दे कभी नहीं मुंह होता च ऐसा, दवाई दांत ते फंस गई हाँ दांत दे ऊपर। तब ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, लेकिन जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है ना तब ये मेरे साथ होता ही है, और ये सबके साथ होता नहीं होता पता मेरे को, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। लबड़ी दवाई बोले नहीं है, रख दा दवाई क्या? अच्छा, दवाई खा के ना इसकी आवाज निकलने लग रही है तो बता रही है। हाँ अच्छा, लब्बू की दवाई खा के आवाज निकलने लग गई, किनू कुछ कर रही, किनू को कुछ कर रही, आवाज मार रही है डैडी ने, आवाज मार रही डैडा, आया ही नहीं अलग कम तो बेटा, 8:30 हो गए, 8:30 के 9:45 हो गए, 9:45 होने वाले हो गए, ठीक है हूँ तुम लेट जाओ, हूँ मैं दवाई खा लूँगा, मम्मा खा ले दवाई हूँ, लोग कहते ये मैं खा लूंगा दवाई। ये हाँ अच्छा ये ठीक है बेटा, मैं ठीक है, टेंशन ना ले, मम्मा ठीक है, मम्मा ठीक है, लवण्या भी ठीक है ना, थोड़ी बहुत ही कसर है वो ठीक हो जाएंगे। रोटी बना दूँ मैं? अच्छा डैड का फोन आया था, डैड वैसे रोटी बना के रख दा, डैड ने 10 बजे निकलना है ना आज, मन्नू के पापा ने 10 बजे निकल जाना है, तो अभी उनको खाना भी बना के रखना है, तो एक दिन मुझे रेस्ट मिला कल बस, इसके अलावा चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ पर ठीक हूँ मैं, ज़्यादा लेटती नहीं बीमार में, बस कल बहुत ज़्यादा हालत खराब थी तब लेटती हूँ, अदरवाइज मैं लेटती नहीं हूँ। आज तो मैं बुखार से तो ठीक हूँ, कल मुझे बहुत ठंड लग रही थी ना, किचन में जाती थी काम करने के लिए, मुझे हो नहीं पा रहा था। हाँ, समझा 10 दिन दो बेटा, तो इसको भी पता है कि मम्मा ज़्यादा देर लेटती नहीं, क्योंकि मैं लेट गई ना तो सारा काम पेंडिंग पड़ जाएगा, और इसको भी दवाई खिलाना, ये देखना वो देखना, अभी ये बाया था पेट लगी मेरे को, भूखी भूखी लगी है, तो इसलिए सब देखना पड़ता है। मैं तो अभी मन्नू के पापा का कॉल आया था, तो वो बोल रहा था कि रोटी बना दे मेरे लिए, तो मैं बस रोटी बनाने लगी हूँ, और दाल रख दिया मैंने गर्म करने के लिए, आटा गूंद लिया, और अब रोटी बनाऊंगी। वो कहते ना कि मेरे को रोटी खा के निकलना है काम, मतलब दिल्ली जा रहे हैं वापस ना आज वो, तो फिर 2-3 दिन के बाद आएंगे 6 तारीख को, तो बस उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो अभी मेरी आवाज़ अच्छा, मेरा ना गला नहीं बैठा हुआ, वो खांसी की वजह से ना शायद आवाज़ ऐसी हो रखी है, फिर पहले से तो बहुत ठीक हो रही हूँ, और शायद कल तक शायद अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। अब किचन में आई ना तो मुझे चक्कर से आ रहा है, अभी एक दिन में पता इतना बुखार सा हुआ ना कि उससे थोड़ी वीकनेस सी आ गई, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो थोड़े चक्कर से आ रहा है, जैसे किचन में कोई काम कर रही, जैसे पहले मैंने सुबह बेड बुड शीट चेंज किया ना तब भी ऐसा ही हो रहा था, अभी भी ऐसा, पूरी ठीक तो नहीं हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाऊँगी ठीक। बस एक दिन का रेस्ट मिल गया ना, वो ही मेरे लिए बहुत है, कि चलो कल तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, उतने में बड़ा आराम सा मिल जाता, अगर इन्होंने कल सारा काम संभाल लिया था ना, अब ये भी क्या करे, काम भी करना है इनको, बाहर भी काम पे गए हुए हैं, अब खाना खा के फिर निकलेंगे वो दिल्ली के लिए, तो मैं बस रोटी बना लेती हूँ। लवण्या अभी अंदर लेटी हुई है, मन्नू पढ़ाई कर रहा है, उसका पेपर है कल, तो संडे है, मंडे को पेपर है उसका। तो मन्नू का पापा को 10 बजे आना था, तो अभी क्या कहते हैं 11:15 हो गया, तो ये बहुत लेट हो गए हैं, तो ये अब आए हैं, और अब इनको निकलना है, बस खाना खा रहे हैं, खाना खा के और उसके बाद फटाफट निकल जाएंगे ये। कलोल भी इतना हुआ, बस पता नहीं क्या बताएं सच में, भगवान की मर्जी क्या है ये नहीं पता। हाँ वही तो, क्या कहते इतनी गड़बड़ सी हो गई है, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये बोल रहा है कि मैं ना सुबह निकल जाऊंगा, इनके चक्कर में मैंने और लवण्या ने भी खाना नहीं खाया, तो अब मैं और लवण्या खाना खाने का, मेरे को ये था कि ना जल्दी जल्दी निकलेंगे तो इनको सामान सामान जो पैक करना वो दे देते हैं, अब इनका चेंज हो गया मूड, अब ये बोल रहा है सुबह 4 बजे या 5 बजे निकल जाऊंगा। तो अभी बस मैं और लवण्या खाना खाने के लिए रह गया, मन्नू ने भी खा लिया था और इन्होंने भी खा लिया। लब्बू
खाइए रोटी बेटा। देखो कैसे इनको नोच देती है, देखना ओए होए ओए होए। अभी तो मैंने इसके नाखून है, अभी नाखून तो मैंने काटे थे पहले। अरे मुंह तो नोच लेती है, नाखून से क्या फर्क पड़ता है। हाँ तू मेरे को मारती क्यों, मेरे को क्यों मारती है बता है? इसको पता ना कि डरा इतनी इतनी देखो इतनी देर के बाद आया, देखो अब डरा कह रहा मैं जा रहा हूँ। है क्यों मारती है मेरे को बता पहले, तू मेरे को ही मारती है, मम्मा को क्यों नहीं मारती है? मेरे को नहीं मारती, मेरे को ऐसे नोचती नहीं है जैसे इनको नोच देती है ना। टिकला बना दिया है, टिकले पे नोच दिया। चलो मैं खाना लेके आ रही, इसको दवाई भी देने लगन ना, तो बने ना। हमने इनके चक्कर में खाना खाते खाते देखो हम लेट हो गए हैं, अभी टाइम देखो 11:30 हो गए हैं, 10 बजे से मेरा खाना बना हुआ है। तो है डोगी आ गए, तो ये मन्नू का सामान निकालने गया था गाड़ी में से, तो मेरे डॉगी आ गए तो फिर जाओ उन्होंने दूध लेके आओ। तो डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, दवाई मैंने भी खा लिया, लवण्या ने भी खा लिया, और मन्नू के पापा अभी तक कंफ्यूज हैं, जाना है अभी निकल जाऊँ, सुबह निकलो अभी निकलो सुबह निकलो, उनको पता नहीं चल रहा। तो लवण्या को बोल रहे फिंगर पकड़ो, पहले मेरे मन्नू से पकड़वाया तो आया कि जाना है, फिर मेरे से फिंगर पकड़वाया आया तो जाना है। अभी लवण्या ने फाइनल नहीं बताया, क्योंकि ये लेटती है ना उसके बाद ही फिंगर पकड़ती है, अभी खाना खाने में और दवाई खाने में बिजी थे तो फिंगर नहीं पकड़ती, मेरा पकड़ लिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था डैड ऐसे नहीं ना पकड़ेगी, वहाँ लेटाओ फिर इसको फिंगर दिखाओ उसको पकड़ेगी। अब तो डैड अब लब्बू को फिंगर पकड़वाएंगे और पूछेंगे कि जाना है कि नहीं जाना। हम दोनों से जब पूछा हमारा तो आया कि अभी जाना है। लब्बू फाइनल डिसीजन लब्बू करेगी, अगर जाना है तो ये वाला पकड़ेगी, नहीं तो ये वाला पकड़ेगी। ठीक है ना लब्बू बेटा, ठीक है ना? ओए तेरे इधर पकड़ फिंगर तेरा, जाना है दोबारा पकड़ लिया, नहीं जाना दोनों पकड़ लिया कोई बात नहीं, पर पहले तो जाने वाला है पकड़ा। अच्छा पहले जाने वाला कह रहे हैं, इसी बात में चलो पढ़ी करते, मैं जा रहा हूँ, जा मेरे को भगा रही ना रात बना रही है। तो यही तो कुछ ही बोल रहे कि ना रात को जैसे अभी निकलूंगा ना तो सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, है ना, और बस में भी टाइम लगता है आजकल जाने में, और खुद की गाड़ी लगे तब भी 10 घंटे लगते हैं, और बस में 6-7 तो निकलने घंटे लगते हैं इनको पहुंचने में दिल्ली। तो इसलिए ये बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे थे कि अगर अभी जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा ना, वहां सुबह पहुंच जाऊंगा। मैं निकलता हूं सब मिलके भगा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, तीनों ने मेरे को पकड़ा है कि जाना है जाना है, जा ही रहा हूं, जाओ। अच्छा हम तो कहते तुम रहो, हमारा घर शिफ्ट करवाने के बाद ही जाना। हां जी हम तो कहते हैं अभी अभी हमने क्या कहते हैं 6 तारीख को घर भी शिफ्ट करना है, ये बात हमने नहीं बताया ना, क्योंकि ये वाला जो घर है जिस घर में हम बैठे हैं ना चौड़े के बेड के ऊपर, ये घर अब सेल हो चुका है, तो ये घर सेल हो चुका है, तो हमें ये घर भी शिफ्ट करना है। हमने करना तो क्या कहते हैं आज ही शिफ्ट था, मेरी तबीयत खराब थी तो फिर वहाँ पे जो हमने रूम देखा ना तो वहाँ पे भी सफाई सफुई हो रही थी, तो फिर जब अब अब ये आएंगे फिर दोबारा से, अब ये फिर आएंगे 5 या 6 तारीख को, फिर हम 6 या 7 को घर शिफ्ट कर देंगे। हाँ मैं आया था घर शिफ्ट करवाने ही के लिए ही आया था मैं। हाँ ये ऐसे आए थे शिफ्ट करवाने के लिए, शिफ्ट मम्मा दी की सेवा करके गुजारे है। तो हाँ वही जो भगवान करता अच्छा ही कहता है। कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी ना किचन में, अगर मैं जा रही थी तो मेरे को ठंड लग रही थी, मेरे से काम नहीं हो रहा था, तो कल इन्होंने एक रात के लिए मुझे खाना बना के खिला दिया बस। और कैसे सोई हूँ मैं घोड़े बेच के, इतनी डरावनी सी आवाजें निकाल के, तबीयत जब बहुत खराब होती है तब ऐसा होता है, मेरे तब वैसे नहीं होता, और आज भी तो मैं चक्कर आ रहे हैं, बट मेरे को आज मैं काम तो आज कर रही हूँ ना, मैं जल्दी से लेटती नहीं हूँ, बिस्तर नहीं पकड़ती मैं जल्दी से, तब पकड़ती हूँ जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं तब। तो मन्नू का बाहर निकल रहे हैं अब घर से, अभी क्या कहते हैं 12:15 हुए हैं, अब ये वो रहे इनका मन चेंज होगा, कहते चला ही जाता हूँ मैं, क्योंकि सुबह तक पहुँच जाएंगे ना फिर 8 बजे, कितने घंटे लगते हैं बस में भी। मोबाइल ले लिया आपने, चार्जर वगैरह सब ले लिया, चलो टोपी ले लो सिर पे तभी तो हवा चल रही है, टोपी ले लो सिर पे तभी तो हवा चल रही है। मैं भी ना क्या क्या बोल देती हूँ, मैं इनको बोल रही टोपी, पहले मैंने इनको बोल दिया टोपी ले लो गर्मी है ना वहाँ पे, तो टोपी तो ले जाओ। ओके बाय। हाय रब्बा मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, और क्या कहते हैं अंदर अभी दवाई खाया था तो थोड़ी देर के बाद गर्मी लगने लग गई थी, तो मैंने शॉल उतार दिया, फिर अब ओढ़ा हुआ है, अब फिर ठंड लग रही है, बाहर भी आई हूँ मैं जैकेट पहन के जा रहे हैं, ये ठंड है ना क्योंकि वहाँ से तो बस में ही जाएंगे ना। तो वो जा रहे हैं मन्नू के पापा अब दिल्ली, बस इनका तो यही चलता रहता है चोर बिल्ली का खेल,
कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़। बाय। ओए भाई इतनी ठंडी हवा, रे लगता है और बीमार होना हो जाऊँ मैं। तो मन्नू का पता निकल गया और इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर ना, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा। और लवण्या अब बच्चों हमारी अभी यहाँ लेटी होगी, अब इसको मैं दूसरे वाले मंजे पे लेटाऊँगी अपने साथ, और मन्नू भी बस अब सोएगा। और क्या कहते हैं, सुबह तो संडे है लेकिन फिर सो जाएगा। एडिटिंग पता है आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो एडिटिंग भी नहीं हो रही, तो ब्लॉग भी ना थोड़ा सा लेट ही हो रहा है आजकल, तो इसीलिए है ना बेटू, बोल दो। अच्छा क्लैपिंग, क्लैपिंग करके दिखा देती है बस, मुकाम बहुत खुश हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कर दो बेटा बाय बाय, लवण्या कुछ भी कर दो, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय। टिंग टिंग, पता नहीं लवण्या कब बाय करना सीखेगी, अभी तक इसको बाय भी नहीं करना आता। बाय कर दो, बाय बाय, इसको करवाया करेंगे ना तो फिर कर देगी शायद रोज ना। बाय लवण्या कर दो, बाय।